अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं खाबों के शहर, जहाँ पे आपको खाबे मिलेंगे खाने के लिए। तो आप खुशी आपको अंदाजा होगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं गुजरांवाला। बहुत ही आपको मज़ेदार वहाँ पे खाने दिखाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कोशिश करेंगे जितना गुजरांवाला कवर कर सकें वो हम कवर करें। तो चलते हैं गुजरांवाला, वहाँ पर आपको जाके दिखाते हैं कि आपको क्या क्या अपना जल सा खाने को मिल सकता है। आपको कुछ रोड का भी ट्रिप दिखाते हैं कि यहाँ पे रोड पे आपको क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से खेत या जो हैं वो खड़े हुए हैं, ग्रीनरी है, वो सब कुछ आपको दिखाते हुए जाती है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बना के लें। गुजरांवाला में सिर्फ जो है चिड़े और बटेरे मशहूर नहीं हैं, यहाँ पे दाल चावल भी बहुत फेमस हैं। तो यहाँ पे हम आपको लेके आए हैं, बहुत ही फेमस यहाँ के दाल चावल हैं। यहाँ पे मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये बशीर कम्बो दाल चावल है, इसी तरह से ये मोहम्मद हुसैन दाल चावल, जो जिनके बहुत ही फेमस है दाल चावल, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर लोग जैसे कोयटा से आते हैं दाल चावल खाने के लिए। तो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं कि दाल चावल, आपको दिखाते हैं कि ये दाल चावल कैसे तैयार कर रहे हैं। तो आए चलते हैं और देखते हैं ये दाल चावल कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं और इनका टेस्ट कैसा है दाल चावल का। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। फ्रेंड, इस वक्त हम ये अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सा यहाँ पे रश है, लोग वगैरह बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ भी हैं, उनका फैमिली एरिया जो सा वो उस तरफ है, पार्टीशन के उस तरफ इन्होंने लगाया हुआ है। तो लोग जो सा यहाँ पे खाने को एंजॉय कर रहे हैं, दाल चावल इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से पूछेंगे कि उनके क्या व्यूज़ है इसके बारे में, कि वो कैसा समझते हैं कि दाल चावल कैसे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। भैया आप यहाँ पे आए हैं हाजी अपना ये दाल चावल पे मोहम्मद, तो कैसे हैं इनके दाल चावल? दाल चावल अच्छे हैं जी, इनके हम तो बड़े पुराने खाते हैं। अच्छा, इनकी ब्रांच उधर चीना में कार वाली साइड पे। अच्छा, सब भी इनसे खाते थे, हमें तो बड़े अच्छे लगे। क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दाल चावल खाने के लिए। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया जी, आप अपने खाने को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज आपको भी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। ये
जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है नुमान साहब? आपके ठीक ठाक हैं नुमान साहब? कब से इसको चला रहे हैं दाल चावल को आप? ये तकरीबन 30 साल से चला रहे हैं। 30 साल से चला रहे हैं। क्या वालिद साहब ने शुरू किया था आपके? वालिद साहब ने किया था। अच्छा, मैंने सुना काफी फेमस है, क्या इसमें ऐसा डालते हैं दाल चावल में यार, क्या आपके बड़ी दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं दाल चावल? देखें, इसमें जो भी मटीरियल डालते हैं सब अच्छा डालते हैं, नाकस मटीरियल किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं करते, जो भी चीज लेते हैं अच्छे से अच्छी इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, यही बस अल्लाह का करम है, फिर अल्लाह ताला खुद ही जायका डाल देता है। जब आपकी नीयत अच्छी होगी तो जायका खुद बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें टेस्ट करते हैं आपके दाल चावल, फिर हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कैसे हैं दाल चावल। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। बिरयानी है? नहीं जी, आपको यहाँ पे बिरयानी भी मिलेगी, चिकन बिरयानी है। और ये कहाँ पे पका रहे हैं भैया? ऊपर पका रहे हैं, किचन है आपका? गर्मा गर्म जो से अपना चावल रेडी होके आए हैं, जो दाल के साथ अपना सर्व किए जाते हैं। फ्रेंड्स, हम इस वक्त वेट कर रहे हैं दाल चावल का, तो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका कैसा टेस्ट है। तो आपको दिखाया जिस तरह से यहाँ पर रश है, तो टेस्ट करके ही पता चलेगा और आपको सभी रिव्यू अच्छा दे सकेंगे इनका टेस्ट कैसा है। तो हम आपको रिकमेंड करें कि जो है यहाँ पर आप आएँ, खाएँ या ना खाएँ, क्योंकि पहले हम खुद टेस्ट करेंगे, अगर हमें अच्छा लगा तो हम आपको ज़रूर कहेंगे कि आप यहाँ पर आकर जरूर, जब भी आप आएँ तो इसको टेस्ट करें। थैंक यू। दाल चावल जो हैं वो आ गए हैं, तो अभी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। जिसमें हमारे साथ जो हमारे अपना ये अंडा है, ये दाल वाली टिक्की है, तो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका टेस्ट जो है वो कैसा है, ताकि आपको हम कह सकें कि हाँ यार यहाँ पे आपको आना चाहिए, क्योंकि जितना सुना है इनके बारे में कि ये बहुत फेमस हैं, इनके दाल चावल काफ़ी अच्छे हैं। तो लाहौर में भी हमने बहुत जगह पर दाल चावल खाए हैं, चेक करते हैं कि टेस्ट इनका जो है वो कितना डिफरेंट है बाकियों से। हाँ, ये कह सकते हैं इनकी जो दाल चावल है इस पर दाल नज़र नहीं आ रही है, इन्होंने मिक्स की हुई है, गोटा सा लगाया हुआ है। फ्रेंड, अच्छा टेस्ट है, मैं गुड के हिसाब से कह सकते हैं ये है दाल चावल जैसे होने चाहिए। मैं आप वो फीलिंग ये आ सकती है कि आप घर में बैठे हुए घर के दाल चावल खा रहे हैं, इस तरह का टेस्ट है इनका। क्योंकि ये नहीं कि बाजारी दाल चावल है जिसमें नमक तेज़ है या मिर्च तेज़ है, वो नहीं है, हर चीज़ बराबर है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, मुझे तो अच्छे लगे हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आएँ गुजरांवाला तो यहाँ पर आके इनके दाल चावल जो है वो जरूर टेस्ट कीजिए और हमें फिर बताइएगा कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बना के लेके आते रहें। आप देख सकते हैं कि जी इस तरह से रश है जी दाल चावल के लिए, बशीर कंबोज दाल चावल एंड बिरयानी हाउस। ये दाल में जो सा है अंडा डाला हुआ है, ये दाल है भैया? हलीम है, दाल है, दाल है, दाल में अंडे हैं जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से रश है, ये पैकिंग की जा रही है जी।
السلام علیکم پیارے بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا پیارا نام بشیر؟ بشیر بشیر بھائی، یہ دال چاول کیسے ہیں بشیر کے؟ اچھے ہیں؟ ان کے اچھے ہیں یا کہ حسین والے کے؟ وہ ساتھ ان کے اچھے ہیں زیادہ۔ چلیں، بہت شکریہ جی۔ فرینڈز، ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں گجرانوالا کے مین سٹی میں۔ یہ ایک گجرانوالا اڈا ہے، بہت ہی فیمس، جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں۔ تو یہاں پہ ہم آئے ہیں دال چاول کے لیے، کیونکہ یہاں پہ بہت فیمس دال چاول ہیں اور حاجی محمد بشیر دال چاول کے نام سے بہت ہی مشہور ہے۔ لیکن آپ کو یہاں پہ حاجی محمد بشیر کے نام سے تو 50 دکانیں ملیں گی، لیکن آپ کو ہم اوریجنل جو ہے حاجی محمد بشیر کے پاس لے کے جائیں گے، جو کہ یہاں پہ بہت ہی فیمس ہے اور کافی مزیدار یہاں پہ دال چاول ہیں اور کافی رش ہوتا ہے یہاں پہ دال چاول کا۔ تو آپ کو میں دکھاتا بھی ہوں کہ یہاں پہ کس طرح سے کتنے زیادہ بشیر ہیں، اس کے آمنے سامنے ہر طرح سے بشیر ہی بشیر ہے۔ ایک یہ سامنے بشیر یادگار دال چاول ہے جی، پھر اسی طرح سے وہ ایک وہ سامنے آپ کو یلو کلر کا نظر آ رہا ہوگا، بشیر یادگار دال چاول ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اس لائن میں اور کافی جو ان سے بشیر دال چاول ہیں۔ تو میں آپ کو جو ان سا ہے اوریجنل بشیر کی طرف دیکھ جاتا ہوں، جو کہ یہاں پہ اوریجنل بشیر جو ان سا ہے دال چاول آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ وہ کون سے والے ہیں۔ سب سے پرانی اور سب سے اچھا جو ان سا ہے یہاں پہ بشیر گجرانوالا اڈا جو ہے، یہاں پہ سب سے فیمس جو ان سا دال چاول۔ اور یہاں پہ چنگچیاں وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح چل رہی ہیں، کس طرح سے رش ہے۔ پھر آپ گجرانوالا سٹی کو دیکھ رہے ہیں، اندرون سٹی کو۔ فرینڈز، یہ ہے اصلی حاجی بشیر یادگار دال چاول، جو کہ سب سے پرانی یہاں کی شاپ ہے دال چاول کی۔ تو یہاں پہ دال چاول کو بھی ہم ٹیسٹ کریں گے اور بتائیں گے آپ کو اس کا کیسا ٹیسٹ ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے، یہ جو سا ہے بشیر دال چاول جو سا ہے، پہلوانوں کا شہر اور دال چاول یہاں کے مشہور۔ پہلوان مجھے ابھی تک نظر کوئی نہیں ہے، یہاں پہ نام ضرور مشہور ہے پہلوانوں کا۔ یہ جو سا آپ رش دیکھیں گے کس طرح سے یہاں پہ رش ہے دال چاول کا۔ سو فرینڈز، ہم اس وقت گجرانوالا کے بہت ہی فیمس یہ مال ہے کنگز مال، جو کہ بابرا ٹاؤن کے بالکل سامنے اپوزٹ سائڈ پہ ہے، اور یہ یہاں کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے۔ تو یہاں پہ ہم آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیسا ایسا خوبصورت مال ہے، بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ یہ ہم مال سے بناتے نہیں ہیں، لیکن یہ اتنا خوبصورت اتنا پیارا لگا کہ دل کیا کہ اس کا جو ہے نا بنانا چاہیے۔ تو آپ کو اس کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں ایک ہمارے فیس بک فرینڈ بھی ملے ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آپ کو بہت انٹرسٹنگ جمس ہی ہم آپ کو یہاں پہ لوکیشن جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ جی، ہم اس وقت مال کے اندر انٹر ہو گئے ہیں۔ تو یہ کافی اچھا جہاں پہ جمس ہے، آپ کو یہ سارے یہاں پہ برانڈز جتنے بھی ہیں، کھاڈی ہے، نینزا ہے، سارے برانڈز آپ کو ملیں گے۔ اور لوکیشن بہت خوبصورت، لک بہت اچھا دیا ہوا، بہت صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین یہ مال ہے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کی لگی خوبصورت لگی وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ ان کی جو انہوں نے چھت بنائی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت بنائی ہوئی ہے، بہت ہی زبردست لائٹس کے ساتھ ان سے ہے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ تو آپ یہ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں،
सो फ्रेंड्स, ये हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं शहरी भाई, जो हमें यहाँ पे गुजरांवाला में मिले हैं, तो इनसे पूछते हैं कि हाल है शहरी भाई, आपके ठीक ठाक हैं? क्योंकि ये गुजरांवाला के रहायशी हैं, तो कुछ हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे यार आप? गुजरांवाला के खाने बहुत मशहूर हैं, ठीक है, आप गुजरांवाला में विजिट करें इंशाल्लाह, आप कहीं भी नहीं जाएंगे गुजरांवाला में इंशाल्लाह, खाने खाने के लिए अपनी फैमिली के साथ आएंगे इंशाल्लाह गुजरांवाला। चलें, बहुत शुक्रिया शहरी भाई, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, हम आपको जो सा है अभी खानों की तरफ लेके जा रहे हैं, यहाँ के बहुत फेमस फेमस जितने भी खाने हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियो में तमाम कवर कर सकें, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बना के लेके आते रहें।